फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपसे चर्चा करने वाला हूं। देखिए, मनरेगा में जब कोई भी काम स्वीकृत होता है तो उसका जो है वो पूरा एस्टिमेट बनता है फ्रेंड्स, कि उस काम में कितना पैसा जो है वो लेबर का है, कितना मेट मिस्त्री का है, कितना जो है वो उसमें मटेरियल का है। तो इस तरह का पूरा एस्टिमेट जो है वो मनरेगा के किसी भी स्वीकृत काम का बनता है। देखिए, मनरेगा में एस्टिमेट जो है वो मनरेगा के सब इंजीनियर या उप यंत्री इसका एस्टिमेट बनाने का काम करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप ग्राम पंचायत के स्तर में काम करते हैं, आप मेट हैं या फिर आप ग्राम रोजगार सहायक हैं, आप सामान्य नागरिक भी हैं या आप मनरेगा में काम करते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि हम जिस काम में काम कर रहे हैं उसका एस्टिमेट क्या है, उस कार्य में क्या काम करना होगा हमें, और उसमें जो है वो काम का स्टेप क्या होगा कि हमें सबसे पहले क्या काम करना है। जैसे कई बार हम मेट होते हैं, हमें यह पता नहीं होता है कि मनरेगा में जो काम आया है उसमें जो है वो सड़क का काम करना है या नहीं, झाड़ी काटनी है या नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे डाउट रहते हैं उस काम से रिलेटेड, उसमें मेट मिस्त्री का जो है वो है या नहीं, बजट पैसा मेट मिस्त्री का है या नहीं, तो इस तरह के डाउट रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी काम का मनरेगा में स्वीकृत भारत के किसी भी राज्य के किसी भी काम का जो है वो आप एस्टिमेट देख सकते हैं। देखिए इस तरह से, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो। चलिए, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और सिंपली आपको सर्च बार में टाइप करना है DPR फ्रोजन स्टेटस रिपोर्ट। देखिए फ्रेंड्स, आप इतना टाइप करेंगे DPR फ्रोजन स्टेटस रिपोर्ट और साथ में आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, आप यहां से या जिस भी स्टेट का आप देखना चाहते हैं यहां से आप अपना स्टेट का नाम टाइप कर देंगे। इतना तो आपको टाइप करना ही है फ्रेंड्स, DPR फ्रोजन स्टेटस रिपोर्ट जो है वो कॉमन रहेगा, इतना आपको टाइप करना है। उसके बाद आपका जो भी स्टेट है, जैसे आप MP से है तो DPR फ्रोजन स्टेटस रिपोर्ट MP, DPR फ्रोजन स्टेटस रिपोर्ट UP, या फिर DPR फ्रोजन स्टेटस रिपोर्ट राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, गोवा। आप जो भी स्टेट का देखना चाहते हैं आप यहां से स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये पहले नंबर वाली वेबसाइट जो आपको दिखाई देगी, आपको सिंपली इस पहले नंबर वाली वेबसाइट पर क्लिक कर लेना है। पहली वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने उस पर्टिकुलर स्टेट के सारे जो है वो डिस्ट्रिक्ट ओपन होकर जाएंगे। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं या फिर जिस भी स्टेट का देखना चाहते हैं आप यहां से जो है वो अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल मैं यहां पर ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट है जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको सामने अपने जो है वो डिस्ट्रिक्ट के सारे ब्लॉक ओपन होके जाएंगे। आप जिस भी ब्लॉक का देखना चाहते हैं आप यहाँ से जो है वो अपना ब्लॉक सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर ये पहला ही वाला ब्लॉक जो है वो आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने आपके ब्लॉक में जितनी भी ग्राम पंचायतें होंगी आपको यहाँ पर जो है वो सारी ग्राम पंचायतों की लिस्ट आपके सामने यहां पर दिखने लगेगी। आप जिस भी ग्राम पंचायत का देखना चाहते हैं आप यहां से ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल मैं इस डेमो वीडियो के लिए यहां से ये ग्राम पंचायत जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूं फ्रेंड्स, 15 नंबर की ये ग्राम पंचायत है। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे ये जो आपके सामने इस तरह का ये हाइपरलिंक नंबर दिखाई देगा आपको, ये ग्रीन कलर का ये फ्रेंड्स हाइपरलिंक नंबर होता है। जब इस पर आप क्लिक करते हैं तो सारी डिटेल ओपन होकर आ जाएगी। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने जो ग्राम पंचायत है फ्रेंड्स, उस ग्राम पंचायत के वर्तमान में जितने भी काम चल रहे हैं या जितने भी काम इसके जो है वो अप्रूव्ड हैं या फिर इसके कंप्लीट हो चुके हैं, सारे कामों के हमें यहां से दिखने लगेगी। उसके बाद मैं चलिए आपको किसी भी एक काम का जो है वो यहां पर देख के बता देता हूं। यहां पर ये वर्क दिख रहा है फ्रेंड्स, ये ऑनगोइंग वर्क है और इसका ये वर्क कोड है ग्रीन कलर से फ्रेंड्स। ये कार्य का नाम आप यहां से देख सकते हैं, कुमलाई में पटेलों के खेतों के पास जो है वो नाड़ी निर्माण कार्य है। ये कोई कार्य है राजस्थान के स्टेट का फ्रेंड्स। यहाँ से आप इसका जो वर्क कोड है ग्रीन कलर वाला, आप सिंपली इस वर्क कोड पर क्लिक करेंगे। वर्क कोड पर क्लिक करने के बाद आप सिंपली यहाँ से देख सकते हैं उस पर्टिकुलर काम का पूरा एस्टिमेट जो है वो आपके सामने ओपन होकर जाएगा। जैसे आप यहाँ पर से देख सकते हैं ये कार्य का नाम आपको यहाँ दिख जाएगा, वाटर कंजर्वेशन। ये वर्क की कैटेगरी है फ्रेंड्स, जब हम किसी भी काम का डिमांड लगा के एलोकेशन करते हैं तो वर्क कैटेगरी उसमें सेलेक्ट करना होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। यहाँ से आप फाइनेंशियल ईयर देख सकते हैं, यहाँ से जो है वो एग्जीक्यूशन लेवल देख सकते हैं, ग्राम पंचायत है, एग्जीक्यूशन एजेंसी ग्राम पंचायत है, वर्क स्टेटस अप्रूव्ड है, और उसके बाद इंक्लूडेड इन एनुअल प्लान यस है। और इसके बाद ये भी देख सकते हैं वर्क की स्टार्ट डेट आप यहां से देख सकते हैं 2021 में, 1/4/2021 में, और प्रपोजल डेट प्रस्ताव की डेट भी आप देख सकते हैं, और प्रेजेंट स्टेटस आप यहां से देख सकते हैं, और प्रपोज्ड स्टेटस या आप यहां से देख सकते हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप यहां से देखेंगे अनस्किल्ड के लिए कितनी राशि जो है वो यहाँ से आवंटित है, आप यहाँ से देख सकते हैं 11,83,324 रुपये जो है वो मजदूर के लिए, जो अकुशल मजदूर होते हैं फ्रेंड्स उनके लिए जो है वो सेंक्शन है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एस्टिमेट सेमी स्किल्ड कॉस्ट यहाँ पर देख सकते हैं,
59,925 रुपये फ्रेंड्स, ये होती है मेट या मिस्त्री के लिए होती है फ्रेंड्स, ये सेमी स्किल्ड वाली। और यहाँ से इस तरह से आप जो है वो टोटल देख सकते हैं, टोटल इतना है फ्रेंड्स, और उसके बाद कुल लागत इसकी इतनी है। और यहाँ से देख सकते हैं फाइनेंशियल सेंक्शन अमाउंट, फाइनल सेंक्शन अमाउंट आप यहाँ से देख सकते हैं इस काम के लिए इतनी अमाउंट जो है वो 14,43,440 रुपये यहाँ इस पर्टिकुलर काम के लिए सेंक्शन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद सेंक्शन की डेट भी आप यहाँ से देख सकते हैं, AS जिस डेट में हुआ है फ्रेंड्स आप वो यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद एक्टिविटी टेकन अपॉन मस्टर रोल आप यहां से देख सकते हैं, क्वांटिटी देख सकते हैं, यूनिट प्राइस और टोटल आप यहां से देख सकते हैं। देखिए जैसे इस काम में सबसे पहले आपको मिट्टी का जो है वो बंधा आपको यहां पर तैयार करना है, आप यहां से देखेंगे इस काम में सबसे पहले आपको मिट्टी का बंध सूखी या गीली 15 सेंटीमीटर परत में डालना है, ढेलों को तोड़ना है, घास पात तथा कंकर बीनर अलग करना है, मिट्टी के जो है वो दरेसी करना है आपको, और सेप फुट रोलर से मिट्टी को जो है वो आपको दबाना है, ये काम फ्रेंड्स मटेरियल से होगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे दूसरे नंबर में आपको दिखाई देगा मिट्टी, मिट्टी का कार बंद सूखी या गीली जो है वो इस तरह से है, यहाँ से आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। मान लीजिए ये एस्टिमेट जो है वो इंग्लिश में है तो आप इसे ट्रांसलेटर करके जिस हिंदी में जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद जंगल की सफाई करना है, भारी झाड़ियों की सफाई करना है, इस तरह का ये फ्रेंड्स पूरा का पूरा एस्टिमेट है। आप किसी भी काम का एस्टिमेट इस तरह से देख सकते हैं अपने राज्य का। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो